जी आर लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। जी आर लाइव फाजिलका लेकर आया आपके लिए। हाँ जी, कल के प्रोग्राम जो है अपने डप मंडली के, उनके बारे में आप हमें बताओ। ये जो डप मंडली का त्योहार है, ये हमारे अच्छे राजस्थान का कल्चर है और हाँ, ये राजस्थान का होलिका दहन का कल्चर है। ये सिर्फ बीकानेरी रोड से ही पारंपरिक आजादी के समय से चला रहा है। हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो भी आस पड़ोस सारे रोड के राजस्थानी थे, उन्होंने इस कल्चर को जिंदा रखा है। तो कल का जो प्रोग्राम है उसके बारे में दर्शकों को और हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दीजिए, कल क्या क्या प्रोग्राम है और किस पर प्रोग्राम है। वो भव्य प्रोग्राम है, होलिका दहन होगी और वहाँ पर भगवान कृष्ण, प्रहलाद भगत, होलिका माता, इनके ही गुणगान चलेंगे, इनके ही तर्ज पे जो धमाले हैं राजस्थानी कल्चर से वो चलेंगे। और आप जिस संस्था के अंडर जो ये प्रोग्राम हो रहा है उनके बारे में, उनका नाम, जो भी अपने बुजुर्ग से है। देखो, सबसे बड़ी संस्था है हमारी है हिंदू समाज। बिल्कुल। और जो हिंदू समाज के साथ जो कल्चर जुड़ा हुआ है, वो ही ये जो होलिका है, दिवाली है, ये त्योहार को अपने जीवन का सबसे बड़ा त्योहार और बड़ा सबसे बड़ा उत्सव मानते हैं। और ये जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पिताजी बालकृष्ण शर्मा जी, हमारे चाचा जी महावीर प्रसाद शर्मा जी, हमारे चाचा जी महावीर बिहारीलाल तंवर जी, उन्होंने ये कल्चर शुरू किया। आज उसी पारंपरिक से हम वो उसी कल्चर को निभा रहे हैं। धन्यवाद जी विनोद जी। अमित जी से बात करेंगे हम, जो संक्षेप से हमें ये बताएंगे जी इस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले सभी दर्शकों को ये मुबारक है और ये जो कार्यक्रम है जिस हिसाब से हम मना रहे हैं, ये हमारी पारंपरिक जो चलती है उसके अनुसार हम इस होली का दहन का अवसर मनाते हैं। होली में थ्री कल हमारे यहाँ वाल्मीकि चौक, मजदूर चौक, सॉरी गलती हो मजदूर चौक, कल हमारे शाम का प्रोग्राम डप मंडली, बालाजी डप मंडली के अनुसार ये कार्यक्रम चलेगा और मजदूर चौक से ये कार्यक्रम बनेगा और उसी चौक पर ये बड़ा उल्लास के साथ ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। होली का दहन करके और डप मंडली के साथ हम बाबा के भगवान श्री कृष्ण जी के भजन गा करके इस पूरे अवसर को, पूरे प्रोग्राम को हम अंजाम देंगे और संस्कृति के साथ जुड़ेंगे। और मैं अमित कंवर आप सभी लोगों से ये विनती करता हूँ, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस कार्यक्रम पे पहुँचे। कार्यक्रम का समय शाम 7 बजे का। और धन्यवाद करूँगा हम जी आर लाइव, मेरे भाई जी आर लाइव जो इस कवरेज को हमेशा बरकरार रखेंगे, बरकरार रखते हैं और उनकी मैं प्रशंसा जितनी करूँ कम है। हर किसी मौके पर, हर किसी त्यौहार पर ये टीम हमारी पहुंचती है जी आर लाइव वालों की। और गौरव जी हमारे भाई छोटे जो ओनर हैं इस चैनल के, उनको विशेष धन्यवाद करूंगा। और हम आप सभी से बात करना चाह रहे हैं, जो ये होली की परंपरा है, जो हमारे हिंदू तब की पहचान है होली त्योहार, तो इसके बारे में हम भाइयों से भी चर्चा की और अब महिलाओं से भी चर्चा करना चाहते हैं। भी आप किस तरीके से देखते हैं इस त्योहार को, कैसा मनाना चाहेंगे? ये होली का त्योहार है, हमारी परंपरा है और हमारा कल्चर है, राजस्थानी हमारा कल्चर है और हमें बहुत शौक है। और ये होलियों के दिनों में, फाग के दिनों में फाग खेलते हैं और हमें बहुत क्रेज है क्योंकि हम भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा कल्चर है होली का त्योहार, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये फाग खेलते हैं, इसमें भजन भी गाए जाते हैं, दमाल भी गाई जाती है और गीत भी गाए जाते हैं। मतलब ये खुशी का माहौल है, एक तरफ से भी कल्चरल प्रोग्राम है, अपना आध्यात्मिक संस्कृति का प्रोग्राम है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मनाया जाता है और सभी धूमधाम से बहुत एंजॉय करते हैं। एक हफ्ते तक लेडीज सभी गीत वगैरह बहुत अच्छी तरह से गाती है और बड़ी एंजॉय करते हैं। और हमारी जैन गली में ये हमारी महिला मंडली है और होली के ठीक 10 दिन पहले हम हर साल
ये शुरुआत करते हैं और भगवान कृष्ण जी के ठाकुर जी के भजन और पाठ करते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। धन्यवाद जी। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा अभी ये आप जो आज जुड़े हो ना जीआर लाइव फाजिलका के माध्यम से आप जुड़े हो और जो हमारा चैनल है ना जी हम जो धार्मिक अध्यात्मिक और सामाजिक सोसाइटियां जो वर्क करती है ना हम सिर्फ उनको ही फॉलो करते हैं। धन्यवाद मैम, आप सबसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। जय श्री कृष्ण, जय राधे जी।
बालाजी डब मंडली हमारे राजकुमार जी शर्मा इस मंडली के ओनर है और इनके द्वारा, इनके मार्गदर्शन के द्वारा आज हमें
बीकानेरी चौक मजूर चौक जिसको कहते हैं उसमें प्रोग्राम कल शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम ढब मंडली का रखा गया है और सभी से प्रार्थना है पहुंच के इस कार्यक्रम का आनंद लें और संस्कृति के साथ जुड़े होलिका दहन का पर्व हम मनाने जा रहे हैं। मैं अमित तंवर यही आपसे सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मजदूर चौक बीकानेरी रोड वहां पहुंच करके होलिका दहन का अवसर मनाएंगे और बालाजी ढब मंडली इसके ओनर राजकुमार जी शर्मा ये अपना कार्यक्रम बड़े उल्लास हमारे कल्चर की यही पहचान है भी हमारे में कोई भी दिक्कत नहीं है। I'm gonna make you mine।